अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब गाइस। तो आज है मेरे बाबू का बर्थडे। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे। मैंने विश कर दी वैसे मेरे बाबू को, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू। और बड़े हो जाओ और समझदार हो जाओ और तरक्की करो। हम लोग ने कर दिया इनको विश, लेकिन ब्लॉग लेने के लिए थोड़ा करना पड़ता रिवर्स। हाँ, सुन लिया आप लोगों ने, थोड़ा करना पड़ता है रिवर्स ब्लॉग लेने के लिए, क्योंकि फिर अगर हम लोग ऐसे प्राइवेटली बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे तो कुछ लोग ये है कि नाजिया तो कुछ करती ही नहीं है, बाबू भाईजान का बर्थडे नहीं बनाया क्या, ये सब सवाल हो जाएंगे। पहले चलो जान दो, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते कि भाईजान का बर्थडे। तो बहुत सारी दुआएं देना मेरे हस्बैंड को। चलो उसमें मोमबत्ती जलाने के लिए कुछ ला। रुक जा, तो मैं निकाल के ना भाई, कुछ भी कैसे लेता। ट्राइपॉड लगा देती हूँ मैं, तुम ये खोलो जरा, मैं आ रही। So guys, अभी हम लोग पहली बार तो घर पे थे ही नहीं, आए 11:15 बजे और आपके भाईजान गए थे उज्मा को लेने के लिए उसकी नानी के घर पे। हम लोग जरा बहुत जरूरी काम से गए थे, दिल खुश है, दिल गार्डन गार्डन है, बाग बाग है, खुशी की बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक दो ब्लॉग के बाद, लेकिन अभी नहीं। अभी तो फिलहाल अपन अपने मतलब आपके भाईजान और मेरे हस्बैंड का बर्थडे बनाते। तो ऐसा है, क्या वायर को करके रखे हैं लोगों ने, उसमें चार्जर लपेटा वहां से जरा 2 मिनट। देखो ये केक पे लिखा ने बोली थी मैंने हैप्पी बर्थडे बाबू, तो उन्होंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा और यहाँ पे बाबू लिखा है। कैंडल जला, रुक जा, खाने दो ना, खाने दो ना, क्या खा रहा है। मेरे को चार्जर मांगी, मैं चार्जर दी नहीं मुझे, 2 मिनट। फूकने नहीं देना उसको, इधर 1 2 3 फूकने नहीं देना उसको। मैं यहाँ से फूकू, यहाँ से नहीं। अरे शिट यार, रोज फूकते बोले गावी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसने भी बाबू बोलिया। ये हैप्पी बर्थडे बोला बाबू पप्पी दे, आजम अब्बा को पप्पी दे। हाँ वाला चला, हाथ मिलाओ, चलो उसको हाथ मिला जल्दी, ऐसे करो पप्पी दे। चलो भाई केक खाएंगे, देख लिया, देख लिया। वापस उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आजम टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आजम उस्मा के अब्बा शेमुड़ी। अरे खिलाओ पहले बच्चे लोग को, तुम्हारा बर्थडे तुम खाओ। आपका बर्थडे खा लो, खा लो, खा लो, थोड़ा डाला था ना वो पहले मुंह में। मुझे फाउंटेन होगा दूध, उसमें देखो प्लेट में निकाल के दू केक। मात्रे ऐसा गंदगी नहीं मचाती है, वो चेरी मेरे को चेरी खाने के लिए मजा आता है। गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं है बाबू, मैंने बाबू को गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं, गिफ्ट मिल जाएगा 2-4 दिन के बाद। कितना बड़ा गिफ्ट नहीं मिल रहा, वीडियो चालू रखो प्लीज। छोटा मोटा गिफ्ट थोड़ी ना दे रही हूँ बाबू, कितना बड़ा गिफ्ट, कितना बड़ा गिफ्ट दे रही हूँ। हम लोग घर में थे ही नहीं, बल्कि मैंने खाना तो बना ही नहीं, तो अभी हम लोग घर पे आने के बाद मैंने फटाफट ऑर्डर दी पर्शिया दरबार से खाना और केक जेडन से। तंदूरी चिकन आई है ज्यादातर, अभी दिखाओगे आप लोगों को तंदूरी चिकन, दिखाओगे बाबू। मुंबई से थोड़ी खाते आज हम, तो ऐसा है। ये अच्छा होता है पता है, ये ऑनलाइन का सीन बहुत सही रहता था, पहले ऑनलाइन नहीं मालूम था ना, मैं ऐसे परेशान होती थी कैसे सरप्राइज दू, कैसे कुछ करू, कैसे बर्थडे मनाऊ, कैसे कैसे कैसे। हाँ ना।
तुमको पता चला क्या बाबू? हाँ अपन कितना लेट आए घर पे, ये डस्टबिन में डाल दो। तंदूरी चिकन दिखा दिखा आप लोगों को, रुको में डाल के रखा है। एक्चुअली हम लोगों ने क्वांटिटी देखने के लिए ना इसको खोला था, तो ये खुलकर रखते थे तो ठंडा हो जाता था, इसके लिए तंदूरी चिकन यहाँ पे है और ये चटनी यहाँ पे, बाकी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ खुला नहीं है। बाकी बात बाद में है, आओ ना बाबू जरा। पंखा चालू कर देती हूँ, बहुत गर्म हो रहा है। खुश तो है, देखो भाई सच्ची में खुश है, मैं तो खुश हूँ आपके भाई का मुझे पता नहीं। चलो भाई चलो, तो मैंने मेरे बहुत सारे गिफ्ट बना के रखे, मुझे पता है सारे पेपर कागज ना। कुछ भी नहीं, नहीं मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत सारे गिफ्ट बना के रखे, वो निकाल रही हूँ यहाँ से। ये तो केक खाया ही नहीं है क्या, चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा है। हाँ आजा लेके आजा, जल्दी लेके आजा। सो गाइस ये छोटा सा वीडियो मैं आज ही शेयर कर रही हूँ, अभी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भर भर के मेरे हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे विश करो और बहुत सारी दुआ, क्या बहुत सारी दुआ दो मेरे हस्बैंड को। वीडियो एंड मत करो, कुछ देर रुको। ये जो है ना ये क्रिसमस के लिए छोटा सा मैंने बनाया है, लेकिन ये कहीं से दिखता नहीं कोई भी एंगल से। हाँ बराबर, और ये लाइट यहाँ पे ऐसे चालू है, गर्म हो रहा है, मैं बंद कर दी उसको। ये देखो ये तराजू बना के रखे है, इसका स्कूल का प्रोजेक्ट है ये तराजू। तराजू के धागे नहीं कटे हुए, सुने क्या? तराजू के थ्रेड्स तो ऐसा है। ये क्या कर रहे क्या मालूम इन लोग? मैं जा रही नाइटी पहनने के लिए, मैं जबरदस्ती ये पहन के रखी थी बाहर से आने के बाद, मैंने नाइटी नहीं पहनी। उंगली दबाई बाहर से आने के बाद, जरा भी मुझे ना ऐसे कपड़ों में रहने का मन नहीं करता, सिर्फ तो मैक्सी पहन लूं, लेकिन मैंने नहीं बदला। ये लोग देखो अभी ये देखो, ये उज्मा के गिफ्ट से, ये ना हर कब से पता नहीं कब से बना बना के रखी लिए इसने अपने अब्बा के लिए। ये लिखा माय शफीक फॉर माय शफीक, और यहाँ लिखा है फॉर माय शफीक सीनरी, और यहाँ लिखा है आई लव माय मॉम एंड डैड वेरी मच। ये देखिए सब गिफ्ट देखो सुनाने का मन। ये सब केक, क्या ये क्या है? केक है, कपकेक, आइसक्रीम, कितने सारे गिफ्ट, ये उज्मा के गिफ्ट से। ब्रेसलेट बनाई है उसने, नाम लिखा लगता कुछ तो भी। हाँ शफीक का ब्रेसलेट बनाई है उसने। बता स्माइली, बता स्माइली, बता आजम, बता ना। ओ लो, अच्छा ये गिफ्ट का क्या करोगे बाबू तुम? क्या करोगे ये गिफ्ट का? तो देखो आपने एक चीज दिखाई नहीं, एक चीज दिखाई नहीं, इस पे आप लोग गौर से पढ़ोगे तो सो जाएगा। शफीक लिखा हुआ है, तो ये देखो और बना के और लेकर आए, ये सब बनाए। अच्छा तो एक डब्बा बना लो, उसके अंदर ये गिफ्ट जमा करके रखोगे। उज्मा ने बचपन में मेरे लिए ये सब बनाई थी, मैंने बड़ी होगी तो बताना उसको कि देख तू मुझे ये सब दी थी बर्थडे में गिफ्ट, है ना, कितनी मेहनत की उसने। बाप रे ये पॉप्सिकल, ये आनंद, मैंने इसके अलावा और बनाए थे तो वो ना आनंद दीदी का, मैं इसका दूसरा बना तो मैंने, तो ने पॉप्सिकल मुझे बना के पॉप्सिकल। अच्छा और ये हाथी जो रेडीमेड है, ओके मोरी में से लिए। ओके तो थैंक यू तो बोलो उज्मा को, बहुत बहुत थैंक यू उसको। थैंक यू बोलते बोलते थक जाओगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। उसमें तो अब्बा को प्यार भी नहीं किया, अब्बा का बर्थडे है, पप्पी उप्पी दे लाड़ कर अब्बा को। तेरे बर्थडे पे कितना लाड़ करते अब्बा? यही तो मेरा प्यार है। अरे बाप रे, बार बार मैं अपने लिए टाइम बचा। हाँ कुछ कहना चाहते अपने घर के लिए? सो मच फॉर सो सो मच लवली विशेस इन एडवांस, आप देने वाले मुझे पता है। फादर के पीछे फादर ही लिखा है, अब्बा के पीछे अब्बा वाले फेस के पीछे, अम्मी वाले फेस के पीछे मदर लिखा है, और आजम के वाले में आजम।
आदम ही लिखा है। आदम थक गया है और आदम को नींद आ रही है, आदम के पैर अभी भी गंदे है बाबू। हाँ सो गाइस बस ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना और भर भर के विश करना इनको अच्छा लगेगा, खुश रहेंगे कल पूरा दिन। वैसे कई उनके बर्थडे पे वो कहीं जाते नहीं है घूमने फिरने या बर्थडे बनाने देते हैं नहीं, तो जो होता यही होता है उनके बर्थडे में। वही बता रही भर भर के विश करना तो थोड़ा खुश रहेंगे। तो ऐसा सो गाइस अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।